अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़िया तबारक और आज हम जा रहे हैं कराची के इलाके, कदीम इलाके, कराची का दिल भी कह सकते हैं आप इसको, लियाकताबाद। और लियाकताबाद में हम ट्राई करेंगे वहाँ की मशहूर, बल्कि कराची की मशहूर कादरी नली बिरयानी। वैसे तो कराची में जगह जगह बिरयानी के स्टॉल्स मिलते हैं और कराची में बहुत सारी बिरयानियाँ हैं जो बहुत अच्छी हैं, लेकिन बेस्ट ऑफ़ द बेस्ट बिरयानीज़ की अगर बात की जाए तो कादरी नली बिरयानी उनमें से एक है। मैंने अभी तक अपने चैनल के ऊपर कोई डेडिकेटेड बिरयानी की वीडियो नहीं बनाई है और आज ये पहली वीडियो है जो हम शूट करने के लिए जा रहे हैं लियाकताबाद। तो ज़्यादा देर नहीं करते और चलते हैं कादरी नली बिरयानी। चले लियाकताबाद। और लियाकताबाद कराची की बड़ी मार्केटों में से एक मार्केट है। लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, फैसलाबाद, ये सब मिला के जितना टैक्स देते हैं उससे ज़्यादा टैक्स देती है कराची की छह बड़ी मार्केटें और उनमें से एक है ये लियाकताबाद। चाट तैयार हो रही है भाई यहाँ पे, चाट बन रही। क्या हाल है भैया? सही है, सही है। अल्लाह का बड़ा करम। क्या नाम है आपका? आजम। आजम भाई, आप कब से यहाँ पे चाट लगा रहे हैं? बहुत टाइम हो गया यहाँ पे, तो फिर सर्दी की वजह से ऊपर आए मैं। अच्छा, पहले नीचे थे आप? तो इतना यहाँ लियाकताबाद में कितना अर्सा हो गया आपको? तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया, 40 साल हो गए। 40 साल हो गए जी। आपके वाले साहब लगाते होंगे? नहीं नहीं, मामू लगाते हैं। मामू लगाते हैं। अच्छा भाई, लियाकताबाद तो हम पहुंच चुके हैं और लियाकताबाद की अहमियत बहुत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इस इलाके का नाम है पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान के ऊपर। और इस इलाके में खसूसी तौर पर बानियान पाकिस्तान और उनकी औलादें एक बड़ी तादाद में आबाद हैं। इस इलाके का नाम पहले हुआ करता था लालू खेत, क्योंकि बहुत अरसे पहले ये इलाका जो था ये एग्रीकल्चर लैंड था और यहाँ पे एक खेत था, जिस बंदे का वो खेत था उसका नाम लालू था, तो लालू खेत ये कहलाता था। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद इस इलाके का नाम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान के ऊपर रख दिया गया। और बहुत ही मिलनसार, बहुत ही ज़बरदस्त लोगों का ये इलाका है। अभी हम जा रहे हैं कादरी नली बिरयानी की तरफ और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है ना यहाँ पे मार्केटें हैं, मसालों की शॉप्स हैं, खाने पीने की दुकानें हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इलाका है ये, आगे चलते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे एक ड्राई फ्रूट की शॉप है और यहीं अंदर जो है ना वो चने वने भुने जा रहे हैं और काफ़ी ज़रा ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है। अंदर चल के देखते हैं क्या सीन है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? ओ हो भाई, जो चेक करें आप, चने भुने जा रहे हैं भट्टी के अंदर। यहाँ से क्या सप्लाई होते हैं चने? सप्लाई होते हैं जोड़िया बाजार, जोड़िया बाजार यहाँ से सप्लाई होते हैं। ओके, सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बड़े मसालों की मार्केट है ये है जनाब। बिरयानी मशहूर है कादरी बिरयानी, ये मसाले यहीं से लेते हैं क्या? नहीं नहीं, वो उनका अलहदा हिसाब किताब है, जोड़िया से लेकर आते हैं। जोड़िया से लेकर आते हैं। कितना अर्सा हो गया आपकी दुकान को? तकरीबन 40 साल हो गए। 40 साल हो गए आप यहीं लियाकताबाद में रहते हैं जनाब? और वहाँ पीछे से कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम आपको क्या बताएं, हिंदुस्तान के हम लोग, दिल्ली के। दिल्ली के जनाब? तो दिल्ली के वो मसाले मशहूर हैं ना, खाने मशहूर हैं वहाँ के, तो मसाले से ही बनते हैं ना। हाँ, खाने मशहूर हैं, पहले के लोग थे, अब तो यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ के लोग हैं, तो वो अपने हिसाब से ही बनते हैं। सही बात है। कैसे भाई? खैरियत से? ठीक ठाक है। आपकी हर वीडियो देखते हैं हम। अच्छा, बहुत शौक से है। ट्राउट वाली तो आपकी हमने बहुत ज़्यादा शौक से देखी। अच्छा, थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको कामयाब करें, आपके काम में और बरकत दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और हम पहुंच चुके हैं भाई ये कादरी नली बिरयानी पे। बहुत ही ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है और यहाँ पे मैं आया हूँ स्पेशली
फूडिस्तान जो YouTube चैनल है उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर फूडिस्तान की वीडियोस शेयर करता रहता हूँ अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे भी, उसका एक रीज़न है जो मैं आप लोगों को भी बताऊँगा, और उनकी वीडियोस भी बहुत ज़बरदस्त होती हैं। तो आप लोग प्लीज़ फूडिस्तान को भी जाके सब्सक्राइब करें और उनको सपोर्ट करें। उनके चैनल का लिंक एंड में भी आ जाएगा और मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है। लेकिन हम फिलहाल चलते हैं कादरी गली बिरयानी के अंदर और चेक करते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? जानदीप नाम है। जानदीप भाई, कादरी गली बिरयानी की बड़ी तारीफें सुनी है, वो तारीफें सुन के हम यहाँ पे आए। स्पेशली हमें फूडिस्तान ने रिकमेंड किया है। सर ये बिरयानी जो है 1986 से जो है वो स्टार्ट करी थी हमने, तो अल्लाह का शुक्र है जब से जो है ये सिलसिला अभी तक जारी है। ये नली वाला सीन कब शुरू किया आप लोगों ने? जी नली बिरयानी जो थी वो नली पहले थी इसमें, पर ये कि हाईलाइट जो हुई है वो 4 से 5 साल पहले हुई है। अच्छा अच्छा। नॉर्मल बिरयानी होती है और जो नली बिरयानी है नॉर्मल बिरयानी से ज़्यादा इसके अंदर मसाले यूज़ होते हैं, और जाहिर सी बात है हमारी जो रेसिपी है वो सीक्रेट है। सीक्रेट रेसिपी तो सीक्रेट होती है। सही, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। कितने की होती है बिरयानी? सर बिरयानी जो है वो 480 रुपये किलो है, और नली का पीस जो है वो 80 का अलग से होता है, सेपरेट होता है। वो कितने का होता है? 80 का होता है। 80 का होता है। यहाँ पे हमारे कुछ क्रिकेटर जो है ना वो माशाल्लाह खाना खा रहे हैं। कहाँ मैच कहाँ हो रहा था? कारसास पे। तो आप लोग कारसास से यहाँ आए बिरयानी खाने के लिए लंच ब्रेक में? अरे वाह भाई वाह, कैसी बिरयानी? अच्छी है, टेस्ट अच्छा है इनका काफी, और कराची वाले तो वैसे ही बिरयानी के शौकीन होते हैं। अरे वाह भाई वाह। अच्छा सामने भी एक दुकान बनी हुई है, वो भी आप लोगों की कादरी नली बिरयानी? बिल्कुल, हमने स्टार्ट जो है वो वहीं से लिया था, छोटी दुकान जो है। जी बिल्कुल। तो फिर आप लोगों ने ये दोबारा शिफ्ट यहाँ पे किया? जी बिल्कुल। भाई बहुत ही ज़बरदस्त सीन है, और जानदेव भाई ने बताया कि बिरयानी जो है ना इनकी यहीं पे तैयार हो रही होती है, तो बिरयानी की मेकिंग देखना तो भाई बनता है। तो पीछे इनके किचन में चलते हैं और ज़रा देखते हैं कि बिरयानी तैयार कैसे हो रही है। आपका नाम क्या है? रहीर। रहीर अब्बास। रहीर, जहीर भाई आप लेके चल रहे हैं किचन में? चले भाई चले। ये आ गया भाई किचन। ये यहाँ पे कादरी नली बिरयानी जो है ना वो यहाँ पे तैयार हो रही है, और बड़ा ही ज़बरदस्त सेटअप है, चेक करते हैं। अच्छा भाई ये किचन के अंदर हम आ गए हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं ये जो जानदीप भाई से मिले थे उनके वालिद साहब मोहम्मद रजी कादरी साहब। क्या हमने तो उनसे पूछा, उन्होंने कहा भाई सीक्रेट रेसिपी है हमारी, आप बताइए क्या? असल में बात ये है कि ये एक सिलसिला ऐसा है कि ये मुझे बख्शा हुआ है। अच्छा। हाँ, एक बुजुर्ग ने ये बख्शा हुआ है जो मसाले जाते हैं इसके। अच्छा। तो हम तकरीबन 36 साल से मैं उसी पर अमल कर रहा हूँ। ये भाई यहाँ पे ये मसाले वगैरह सारे रखे हुए हैं खास रेशो के साथ, ये मसाले दिए जाते हैं। मसाले जितने भी हैं हम यहाँ कैलकुलेशन करके देते हैं। अच्छा अच्छा, अच्छा। हाँ, ये नहीं है कि हमने वो मुट्ठियों से डाल दिया भर के, सारे कैलकुलेशन करते हैं। सही। और हर शख्स की बिरयानी जो है वो अलग अलग ही उसकी मसाले तैयार होते हैं, अलग अलग गोश्त बनता है। अच्छा। और अलग ही उसको हम दम पर लगाते हैं, किसी का मिक्स नहीं करते। नली बिरयानी जब मैंने शुरू में ये काम स्टार्ट किया था तो हम पहले फ्री में दिया करते थे, फिर ये लोगों को जो है ना फिर हमने 10 रुपये की देना शुरू की। अच्छा अच्छा। अच्छा जब इसकी बहुत ज़्यादा मांग बढ़ गई तो फिर हमने बाहर से परचेज करना शुरू कर दिया, अलग से नली मंगानी शुरू की। सारे लोग बाद में आए। अच्छा। मेरा सेक्टर तो सारे सराफे में। अच्छा, स्टार्ट की थी वो आपने? माशाल्लाह माशाल्लाह। ये नलियाँ बॉइल हो रही हैं। नलियाँ बॉयल हो रही है यहाँ पे? नलियाँ बॉयल हो रही है। नलियाँ बॉयल हो रही है, बॉयल होने के बाद फिर ये इसको वॉश किया जाएगा। अच्छा। वॉश करने के बाद फिर ये पतीले में लगाई जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले वॉश होती है, वॉश होने के बाद फिर बॉयल होती है। देखिए बिरयानी के मसाले में ही बनती है ये। बिरयानी मसाले में, दूधे में भी तो टेस्ट आएगा ना? हाँ, उसका है ना? उसी में पकता है। आप लियाकतबाद में रहते? मैं, मेरी रिहाइश पैदाइश यहीं की। अच्छा, तो आपके वाले साहब कहाँ से थे? इंडिया, फतेहपुर सीकरी से। फतेहपुर? फतेहपुर से, जहाँ हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। अच्छा। इंडिया में दम के लिए वजन दिया हुआ है ना? दम लगा दिया, चावल सही रहते, नरम भी हो जाते हैं। ये इस तरह से क्या चेक कर रहे हैं?
ये पानी वगैरह चेक करते हैं इसमें। ये लेके जा रहा हूँ दुकान पे। जी जी आज ये खाली है, इसको उतार रहा हूँ। यार वैसे तो बिरयानी की जो है ना वो बहुत सारी इकसाम होती हैं, सिंधी बिरयानी, बॉम्बे बिरयानी, प्रॉन बिरयानी, मसाला बिरयानी, हल्की बिरयानी, तेज़ मसाले की बिरयानी। लेकिन ये कराची के अंदर जो है ना वो इनोवेशन हुई है कि बिरयानी के अंदर नली को ऐड कर दिया गया है, और ये पिछले 3-4-5 साल के अंदर ये इनोवेशन हुई है। मैंने बिरयानी यहाँ बहुत सारी खाई है, और ये कादरी नली बिरयानी भी, कादरी बिरयानी भी मैंने खाई है, लेकिन नली डाल के मैंने नहीं खाई। तो आज नली डाल के बिरयानी खाने का ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। सर ये होम डिलीवरी यहाँ से होती है ओवरऑल पूरे कराची के अंदर, बहरिया टाउन, क्रिक विस्टाज और कराची के तमाम इलाकों में डिलीवरी होती है। मेरे पास 4 राइडर्स मौजूद हैं, ना आधे घंटे में 15 मिनट में ऑर्डर गरम गरम पहुँचा देते हैं। ये तैयार हो रही है भाई हमारी बिरयानी है भाई। बिरयानी आपका नाम क्या है? फैसल हफीज। फैसल हफीज हमारी बिरयानी जो है वो तैयार करा रहे भाई। 1 किलो बिरयानी नली के साथ, विद नली नली बेस्ट है। ये पूरा जो है ना वो थाल के अंदर तरफ दी जाती है भाई बिरयानी। किलो बिरयानी है ये माशाल्लाह से, इसके अंदर 2 अदद नलियाँ पड़ी हुई हैं, और नलियों का जो गूदा निकालना है ना वो भी एक आर्ट है। और हमारे साथ हैं ये फैसल भाई, जो पहले नली का गूदा निकालेंगे और उसके बाद हम बिरयानी जरा टेस्ट करेंगे। तो देखते हैं कि ये गूदा किस तरह निकालते हैं। चमचे से पहले ओ भाई आ गया गूदा। चेक करें आप नली का गूदा जो निकल रहा है ना भर भर के, ओ हो हो भाई बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा भाई आ गई है हमारी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी, और जिस तरह से इसका नली का गूदा निकाला है ना तो बहुत ही ज़बरदस्त सीन है। सबसे पहले मैं बिरयानी ट्राई करूँगा बग़ैर नली के गूदे के, क्योंकि ये जो है ना अब बग़ैर गूदे के भी बहुत ही बेहतरीन बिरयानी है। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कादरी नली बिरयानी अभी विदाउट गूदे के। ओहो हो मसाले वाली ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी, बहुत ही मज़ेदार है। इस पर किसी और की चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन क्योंकि नली स्पेशलिटी है तो मैं नली के गूदे के साथ इसको ट्राई करने वाला हूँ भाई। फर्स्ट टाइम नली के गूदे के साथ बिरयानी टेस्ट करते हैं कि कैसी है। बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि गूदा मैंने पहले निहारी में ट्राई किया है, पायो में ट्राई किया है, बिरयानी में ये फर्स्ट टाइम है। लेकिन बड़ा ही अच्छा सा एक नया सा फ्लेवर मुझको फील हुआ है भाई नली का गूदा ट्राई करके। काफ़ी रिच, क्योंकि गूदा बड़ा हैवी होता है तो काफ़ी रिच ही इसके अंदर एक टेक्सचर मुंह के अंदर आपके आता है, फील होता है।
और गूदा भी है, पूरा भर भर के गूदा है नली का, तो बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा है। गोडे से हम बोटी लेंगे ये, उसके बाद लेंगे ज़रा से चावल, और चावलों के साथ ही आ रहा है गूदा, और हल्का सा इसके ऊपर मैं डालूँगा भाई ये रायता। अब इसके अंदर जो है ना वो सारे लवाजमात मौजूद हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार। पहली दफ़ा खाने में आपको नयापन महसूस होता है, लेकिन दूसरी बाइट लेने के साथ ही जो है ना वो बिरयानी का एक यूनिक फ्लेवर गूदे के साथ आता है, जो मेरे ख्याल में बड़ा ही मज़ेदार है। और बिरयानी ऐसी है कि आप खाते जाएं भाई। हाजी साहब ने बताया, कादरी साहब ने, कि बुज़ुर्गों की दुआएँ बिरयानी के अंदर शामिल हैं, तो भाई जिस बिरयानी के अंदर बुज़ुर्गों की दुआ शामिल हो तो उस बिरयानी की तो फिर बात ही अलग है। बहुत आप और मीठे में आया है भाई ये ज़बरदस्त किस्म का जर्दा। जर्दा वैसे जर्दे के कलर का होता है, लेकिन वाइट कलर में भी होता है। इसके अंदर काफ़ी ये मिठाइयाँ वगैरह पड़ी हुई हैं, काफ़ी लवाजमात इसके अंदर मौजूद हैं। ये खोया भी हमें नज़र आ रहा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। खोया इंतहाई फ्रेश प्रॉपर से इसके ऊपर जो ये मिठाइयाँ बढ़ाई हुई है छोटी छोटी। चावलों की क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही अलग अलग, बहुत ही निखरे चावल हैं। और ये दो मीठे के वर्जन और हैं भाई, जो इन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री दिए हैं। ये है खीर और ये है दूध दुलारी। ओके भाई, तो हम आए थे कादरी नली बिरयानी के ऊपर फूडिस्तान यूट्यूब चैनल के रिकमेंडेशन पे। उनको प्लीज़ सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। और जो कादरी नली बिरयानी थी ना भाई, वो बहुत ही बेहतरीन थी। तो अगर आप कराची में हैं या कराची में बाहर से कहीं से आए हैं, तो कादरी नली बिरयानी ट्राई करना मस्ट है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसको लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज़रूर फॉलो करें, और नली बिरयानी, कादरी नली बिरयानी ज़रूर ट्राई करें। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हमारे यहाँ भजन का सिलसिला ऐसा है कि हम 2-4 ग्राम फालतू देते हैं हर देव पर। अच्छा, ना किसी का कच्चा कम करते हैं ना पकावा कम करते हैं। असल जो है ना वो तरक्की का राज यही होता है कि इंसान की ईमानदारी हो, नीयत हो, तो अल्लाह ताला बरकत उसके अंदर। हाँ, बरकत ही बरकत है। आप यकीन जानिए कि बहुत बरकत है। सही बात, किसी चीज़ की कमी नहीं है माशाल्लाह। अल्लाह पाक ने हमें बहुत इज्जत दी है। सही बात, और ईमानदारी से काम करते हैं और सबके लिए।